हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था ऑन टू मैपिंग्स के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम वन टू वन मैपिंग्स। वे बेसिकली वन टू वन मैपिंग्स क्या होती है? सपोज कि हमारे पास दो सेट हैं, एस वन एंड एस टू, और यहाँ से हमारे पास एक मैपिंग है एस वन से एस टू में। देन जो मैपिंग है वो वन टू वन कहलाती है। अगर सपोज इसमें हमारे पास ये, इसको मान लेते हैं बी वन बी टू डॉट डॉट बी एम, और इसको मान लेते हैं हम ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, तो वन टू वन मैपिंग कहलाती है। अगर सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट बी वन पे, इसका रेंज में बी वन जो एक एलिमेंट है, इसकी रेंज में, ये रेंज में होना चाहिए, रेंज में बी वन एक एलिमेंट, तो उसके लिए ओनली वन एलिमेंट मिलना चाहिए इधर, जिसका मैप हो या जिसकी इमेज हो। यानी कि सपोज टी जो है वो मैपिंग है, टी ए बराबर बी वन। अगर ये मिलता है तो हमारे पास, अगर टी ए वन बराबर बी वन मिलता है, तो कोई दूसरा ए वन या ए टू नहीं मिलना चाहिए, ए टू ए थ्री कुछ और नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए बी वन हो। इस तरह से बी टू के लिए भी एक मिलना चाहिए, बी थ्री डॉट डॉट बी एम, सभी के लिए ओनली एक मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैपिंग है वो वन टू वन मैपिंग है, यानी एक से एक पर ही मैपिंग है। तो वन टू वन मैपिंग को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन और देख लेते हैं क्लियरली। अ वेक्टर मैपिंग टी आर एन टू आर एम इज सेड टू बी वन टू वन इफ एंड इफ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू आर टी, यानी बी बिलोंग्स टू आर टी, यानी जो रेंज ऑफ टी जो होती है, यहाँ से रेंज टी, देयर एग्जिस्ट ओनली वन, देयर एग्जिस्ट ओनली एक वन जो एक्स बिलोंग्स टू आर एन, यानी इधर से सपोज कि ए वन ए टू की बात कर रहे थे हम, सच दैट टी एक्स बराबर बी, यानी कि हमारे पास इस तरह की कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो मैपिंग है वो वन टू वन मैपिंग है। अब यहाँ पे वेन टी इज लीनियर मैपिंग, जब टी जो है लीनियर मैपिंग होती है, वी हैव ऑल द टूल्स नेसेसरी टू गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेन टी इज वन टू वन। टू डू दिस वी यूज द फैक्ट दैट टी आर एन टू आर एम इज अ लीनियर मैपिंग। अगर टी आर एन टू आर एम जो है वो लीनियर मैपिंग है, तो उस कंडीशन में टी जीरो बराबर जीरो, हेयर इज इट द प्रूफ दैट टी जीरो बराबर क्या होता है? अगर लीनियर मैपिंग है और वो वन टू वन मैपिंग है, तो बेसिकली लीनियर मैपिंग में टी जीरो बराबर जीरो ही होता है। क्यों होता है? इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, टी एक्स माइनस एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी एक्स माइनस टी एक्स। अब ये वन टू वन मैपिंग भी है, वन टू वन मैपिंग है तब की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, वन टू वन मैपिंग है तब, उस कंडीशन में ये जो है वो भी हमारे पास एक बी वन होगा सपोज, और ये भी बी वन होगा, तो ये जीरो। अगर लीनियर मैपिंग वन टू वन है, तो उस कंडीशन में ये जो है हमारे पास टी जीरो बराबर जीरो होगा। बट अगर ये मैपिंग जो है वन टू वन मैपिंग नहीं होती, तो यहाँ पे सपोज बी वन और बी टू हो जाता, तो वो जीरो नहीं होता। बट लीन ये वन टू वन मैपिंग है, तो उस कंडीशन में टी जीरो बराबर जीरो होगा। तो ये एक रिजल्ट है इम्पोर्टेंट, कि वन टू वन मैपिंग है अगर, तो टी जीरो हमेशा जीरो पे मैप करेगा। यहाँ से थ्योरम है कि हमारे पास लेट एक्स बिलोंग्स टू आर एन टू आर एम बी लीनियर, देन टी इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ टी एक्स बराबर जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर जीरो। ये अगर टी एक्स बराबर जीरो है, तो उसका मतलब है एक्स बराबर भी जीरो है। तो अगर ये कंडीशन अगर होल्ड कर दिए, तो हम कहेंगे जो मैपिंग है वो वन टू वन मैपिंग है। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं फ्रेंड। थ्योरम है ये हमारे पास, लेट टी ए जो है वो आर एन टू आर एम बी ए मैट्रिक्स मैपिंग, वेयर वी वन बी टू डॉट डॉट वी एन जो है वो वेक्टर है ए के, बिलोंग्स टू आर एम क्रॉस एन, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। जो कौन कौन से स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, टी इज वन टू वन, टी ए जो है वो वन टू वन है, तो उसका मतलब है जो उसकी रैंक जो होगी ए की रैंक, बेसिकली ए की रैंक क्या होगी, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक जो होगी वो एन होगी, रैंक जो है उसकी एन होगी। द कॉलम वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कॉलम होंगे वो जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है जब हम, चूंकि ये रैंक, कोई रैंक है ए, ये इस तरह से हमारे पास एम एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, जहाँ पे एम रोज एन कॉलम, एम रोज यानी सपोज यहाँ पे बी वन बी टू डॉट डॉट बी एम,
और ये हमारे पास बी एन सॉरी इसके बी हाँ ये बी वन से यहाँ से हम लेते हैं, सॉरी उल्टा ले दिया है, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन, इसी तरह से यहाँ पे हम ले लेते हैं एम ले लेते हैं एम वन एम टू डॉट डॉट एम एन, ये है हमारे पास सपोज गई मैट्रिक्स। तो उस कंडीशन में हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बेसिकली और नीचे भी एंट्री हो सकती है। जो ये मैट्रिक्स जो होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास एक एग्जांपल गैलप से भी और देख सकते हैं इसको और क्लियरली। ये हमारे पास एग्जांपल है, लेट टी ए आर फोर टू आर क्यूब बी एम मैट्रिक्स मैपिंग विद मैट्रिक्स, जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -1 0 -2 0 -2, और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इज टी ए इज 1:1, तो टी ए जो है वो 1:1 होगा या नहीं होगा तो ये चेक करना है हमें। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो 1 2 3 4, यानी कि फोर कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास, और रैंक क्या है इसकी, रैंक जो है वो 3 है, रैंक जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो 4 है। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर जब कॉल रैंक जो है वो ज़्यादा हो कॉलम से, सॉरी रैंक जो है कम हो कॉलम से, तो उस कंडीशन में हम हमारे पास ये जो है इनमें एक ना एक मैट्रिक्स जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या लीनियरली डिपेंडेंट सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट होगा किसी और फंक्शन पे। सपोज कि ये है, सपोज, या प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे तो बेसिकली हम मैट्रिक्स को हम 1 0 0 फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर सपोज कि ये इस तरह की फॉर्म में चेंज हो रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें हमारे पास चेंज हो जाता है, तो लास्ट की टर्म में कुछ भी एंट्री रहेगी, तो 1 0 0 कुछ भी एंट्री रहे तो वो बेसिकली वो इसके डिपेंडेंट हो गया, इस पे डिपेंड कर गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स वन, और इसको हम बी वन दे दें, बी टू वी थ्री, तो एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू वी टू प्लस एक्स थ्री वी थ्री इक्वल टू वी फोर। तो इस फॉर्म में हमारे पास लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादा है इंडिपेंडेंट से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ये सारे जो कॉलम्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये 1:1 नहीं है। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट टी ए जो है आर स्क्वायर टू आर क्यूब बी ए मैट्रिक्स मैपिंग विद मैट्रिक्स ए बराबर ये है हमारे पास इज टी ए 1:1, तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स जो है, सॉरी अगर वी वन और वी टू की बात करें तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये वी वन एंड वी टू को दूसरे एक दूसरे मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो यहाँ से यहाँ हम कह सकते हैं कि वी वन और वी टू जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये हमारे पास टी ए जो है वो 1:1 है। अल्टरनेटिवली ये भी देख सकते हैं, अगर रैंक जो है रैंक के बराबर टू जो है, और जो कितने विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जो कि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इस यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि जो मैपिंग है वो 1:1 मैपिंग है।